अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेल्फ फाइनेंस जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं एमबीबीएस बीडीएस सेशन 2021-22 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो टैक डिस्ट्रिक्ट हैं उनके वाले स्टूडेंट्स में, तो इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे कि एडमिशन का तरीकाकार क्या है, कौन से मेरिट पर जो लोग हैं वो सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनका मेरिट इतने तक है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सारी तफसील इस वीडियो के अंदर है, तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो ही आप वेबसाइट खोलेंगे इसमें एडमिशन ऑनलाइन ये टॉप पे आ रहा है, इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे इसका पोर्टल खुल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन वाला। इसमें ये राइट कॉर्नर पे जो है वो ये एडमिशन फर्स्ट ईयर पीडीएस एमबीबीएस यूएपी लोकल बेसिस सेशन 2021, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सामने फॉर्म खुल जाएगा। अप्लाई करने से पहले आपने हिदायत को पढ़ लेना है क्लियरली। इसमें जो हिदायत है मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। ये जी एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स टू फिल द सीट्स यूईपी लोकल बेसिस चांदका मेडिकल कॉलेज लड़काना एंड गुलाम मोहम्मद बहार मेडिकल सखर में। ये दोनों जो मेडिकल कॉलेज हैं इसमें जो एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स हैं उनके लिए स्टूडेंट के लिए, ये एमबीबीएस के लिए है ओनली फॉर। इसमें देखते हैं एमबीबीएस बीडीएस दोनों हैं। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वो टैग डिस्ट्रिक्ट वाले जो है ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टैग डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो आप लोगों को पता है लड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, दादू, कंबर, शहजादकोट, कश्मोर और नशरो फिरोज और सखर, घोटकी, खैरपुर वगैरह के डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स का जो पीएमसी एडमिटेड एंट्री टेस्ट पास होना चाहिए और जो पास होने की शर्त है वो 50% नहीं है बल्कि ये 65% है, तो ये पास होना चाहिए। दूसरा ये कि फ़ोटो कापी आपने डीडी बनवानी है इसकी, फोटो 5 लाख की, 5 लाख की, ये वाइस चांसलर एसएम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लड़काना के लिए। तो उसके बाद आपने इफ़ एप्लीकेशन आर मोर देन अवेलेबल सीट्स देन सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन मेरिट, ये मेरिट बेस होगी, ठीक है जी। फॉर्म कैन बी अपडेट फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लड़काना आर कैन बी डाउनलोड, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं। डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए और उसका हार्ड कापी, और ऑनलाइन भी लाजमी करना है। लास्ट डेट सबमिशन की है वो 17/1/2022 है। कोई अगर क्यूरी पूछना हो तो ये नंबर भी दिया गया है 0744752760, इस पर आप जो है ना कोई भी क्यूरी करनी है तो वो कर सकते हैं। अप्लाई नो पर क्लिक करते हैं, ये पूरा तरीका कर मैं आप लोग को बताता हूँ। जो ही हम इस पर अप्लाई नो पर क्लिक करते हैं ये सॉफ्ट कापी लाजमी तौर पर जो है ना अपलोड करनी है आप लोगों ने। पहले आपने क्योंकि आपने अप्लाई किया होगा वो एडमिशन एमबीबीएस बीडीएस के लिए, वही वाला जो है वो आईडी और पासवर्ड वही वाला चलेगा, ठीक है जी। अगर किसी को पासवर्ड भूल गया है तो इसमें रीसेट की ऑप्शन है, वो हम वो भी देख लेते हैं किस तरह रीसेट कर सकते हैं अगर कोई पासवर्ड आप लोग को भूल गया है तो। ये ओपन हो जाता है इंशाल्लाह जी, ये ओपन हो गया है। अब इसमें ये आप देख रहे हैं इसमें जो है जो ही अप्लाई करेंगे आपके सामने आ जाएगा लॉगिन पासवर्ड। ये मैं ऑलरेडी पहले लॉगिन हुआ पड़ा हूँ, ठीक है जी, यह है फजील में लिखा है। अगर मैं इसको लॉग आउट करके चेक करूँ तो आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो आपने आईडी और पासवर्ड लाजमी तौर पर देना है। अगर भूल गया तो वहाँ पर रिसेट नीचे लिखा होगा या फॉरगेट लिखा होगा तो आपने उसको कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं इसमें वही नाम, अपना नाम लिखना है। अलग-अलग के लिए अप्लाई करना है तो एमबीबीएस के लिए अलग करना है तो उसके लिए अलग आपने क्लिक करना है, दोनों एट ए टाइम करना है तो ये नीचे वाला ऑप्शन होगा। तो उसके बाद
एग्रीगेट स्कोर जो आपका क्या बन रहा है ये आपको मेरिट लिस्ट से मिलेगा, ठीक है जी। तो मेरिट लिस्ट से आप देख लेने कि आपका एग्रीगेट क्या बन रहा है, ठीक है जी। और मेरिट नंबर कौन सा बन रहा है आपका वो आपने लिखना है इधर। उसके बाद DD पे ऑर्डर नंबर लिखना है, DD ऑर्डर बैंक, बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद DD पे डेट, किस डेट को आपने, क्योंकि लास्ट डेट है 17, 17 से पहले पहले ही आपने सब कुछ करवा देना है। उसके बाद सबमिट करना है, इस तरीके से आपका फॉर्म जो है ना सबमिट हो जाएगा ये सेल्फ फाइनेंस पे। अच्छा अब चलते हैं वो कितनी कितनी सीट्स हैं उसको देखते हैं हम इसमें। अच्छा अप्लाई करने से पहले ये आप लोगों ने देख लेना है कि UEAP की सीट्स कितनी हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि लाड़काना डिस्ट्रिक्ट की 4 सीट्स हैं और शिकारपुर की 3 हैं और 3 जैकबाबाद की हैं, दादू की 4 हैं, गंबर शहादत कोट की 4 सीट्स हैं और उसके बाद कश्मोर की 3 सीट्स हैं और नशरो फिरोज़ की 4 सीट्स हैं। ये टोटल 25 सीट्स हैं ये चांदका मेडिकल कॉलेज के लिए, और उसके बाद ये MBBS के लिए हैं। और उसके बाद जो तीनों डिस्ट्रिक्ट गुलाम मोहम्मद मार मेडिकल कॉलेज के लिए जो सीट्स हैं वो सक्खर, घोट की और खैरपुर की, तीनों डिस्ट्रिक्ट की। और इसमें सक्खर जो है वो 4 सीट्स हैं लोग सेल्फ फाइनेंस की और 5 सीट्स हैं घोट की और 6 सीट्स हैं खैरपुर की, ये 15 सीट्स हैं। तो आपने देख लेना है मेरिट जो अभी लिस्ट जारी हुई है उसमें अगर वो ओपन मेरिट के बाद जो सीट्स आ रही हैं, मतलब 4 UAP उसको निकाल दें, अगर उसमें कंफर्म है आपका कि 30 के बाद ओपन मेरिट 30 है तो 34 पर सीरियल पर अगर इसके अंदर आ रहा है तो कंफर्म है तो आपने एडमिशन अप्लाई कर देना है। अगर शेखपुरा 26 शिकारपुर की 26 सीट्स सीरियल के बाद आपके 29 में आ रहा है तो आप कन्फर्म अप्लाई, तो आपने कन्फर्म अप्लाई करके देख लेना है आपका बन रहा है ये मेरिट नहीं बन रहा। तो दूसरा हम देखते हैं BDS की, ये बीबी आसफा डेंटल कॉलेज, इसमें जो लड़काना की 5 सीट्स हैं और शिकारपुर की 4 सीट्स हैं, जैकबाबाद की 3 सीट्स हैं और दादू की 5 सीट्स हैं, कंबर शादात खुद की 4 सीट हैं और कश्मोर की 3 सीट्स हैं और उसके बाद ये नौशेरो फिरोज़ की 5 सीट्स हैं, शिकारपुर की 4 सीट्स हैं और घोटकी की 5 सीट्स हैं, 7 खैरपुर की 7, ये हैं ओपन मेरिट पे। और जो सेल्फ फाइनेंस पे हैं उसमें 4 सीट्स आती हैं सिर्फ डेंटल की, तो ये इसकी हैं ये उसके बाद जो हम देखेंगे बाकी हम अप्लाई करने का तरीका कार देखते हैं चलते हैं। तो 5 जो है ना वो आपने इसमें कर लेना है लड़काना जो बीबी आसपा डेंटल के लिए वो 39, मेन के BDS के लिए करना है तो 39 सीरियल तक आपने देखना है, अगर आपने MBBS के लिए करना है तो 34 सीट के दरमियान वाला देखना है। इसी तरीके से शिकारपुर जो है ना वो 29 तक वो आपका MBBS तक अगर सीरियल बनता है तो वो आपने अप्लाई करना है, अगर आपने डेंटल पे करना है तो ये 29 में 4 और जमा कर लें 33 तक जो ना वो आपका मेरिट जाएगा। इस तरीके से ये आपने मेरिट देखते रहना है, देख कर चेक करके आपने DD बनवानी है और सबमिट करवा देना है शहीद मोहतरम बेजी भुट्टो डायरेक्टोरेट में और वाइस चांसलर का नाम DD बनवानी है 5 लाख की। तो इस तरीके से आज की वीडियो ख़त्म हो जाती है। एनी अगर कोई क्यूरी हो या कोई पूछना हो तो आपने कमेंट बॉक्स में उसको डाल दें, मैं इंशाल्लाह हतल मकदूर कोशिश करूँगा कि आपके जवाब जो है ना वो जल्द से जल्द दे सकूँ। तो इंशाल्लाह 17 तारीख से पहले पहले आपने ये सारा काम कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।